नहीं आवाज। हेलो एवरीवन, आई होप आ रही आवाज। कहिए एक बार। हेलो एवरीवन, कनेक्ट हो जाइए जल्दी सब लोग। माय ऑडिबल एक बार बताइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं है ना आवाज। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, आज की लेक्चर में हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्टार्ट करेंगे, फिर डी ब्लॉक रेडिएशन हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार वेव नेचर की। अच्छा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात करें तो ये एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और प्रोपगेशन कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, और डिरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डिरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपगेट वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक वेव की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर कैसे डिफाइन करते हैं हम? ये एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होता है, या फिर एक ट्राउ से दूसरे ट्राउ तक जो डिस्टेंस होता है, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। सो अगर वेवलेंथ की बात करें, यहाँ लिखती हूँ, वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टेस्ट और ट्राउस, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ओके।
अब एम्पलीट्यूड कौन सा होता है? एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ये होता है एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड. अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में पास करते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग टू अ पर्टिक्युलर पॉइंट इन वन सेकेंड. ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकाले तो क्या आता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. ठीक है, अच्छा, अगर बात करें हम वेव नंबर की, वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार से हम डिनोट करते हैं. और वेव नंबर होता है कि एक सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट है. ठीक है, समझ में आ रही है? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन वन सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर वेव नंबर लिखो, वेव नंबर इक्वल होता है वन बाई वेव लेंथ की. तो तीनों में अगर रिलेशन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू सी इनटू न्यू बार. ठीक है, और ये इक्वेशन हमें हर जगह काम आता है. ठीक है, हेलो आर्यन. चलिए, तो वेव नेचर ये सब तो हमें पता है. ठीक है, वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर हमें पता है, क्लासिकली हमें पहले से ही पता है. लेकिन हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है, तो जो चीज़ इम्पॉसिबल था क्लासिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर, वो अगर पॉसिबल हो सकता है तो ऐसा तो हो ही सकता है कि मैटर की बात सेम हो. मतलब मैटर में क्लासिकली हमें पता है कि पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी तो हो सकता है. सो डी ब्रोगली ने यही कहने की कोशिश की कि अगर क्लासिकली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर पार्टिकल नेचर के हो सकते हैं, तो क्लासिकली जो इम्पॉसिबल है मैटर का वेव नेचर, वो भी पॉसिबल हो सकता है. और इसी आइडिया के साथ डी ब्रोगली ने एक रिलेशन निकाला. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से ये पता लगता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ठीक है, इसे वन इक्वेशन मान लेती हूँ और
अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, ये अगर इक्वेशन टू है तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. और अभी अभी हमने पढ़ा है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, तो यहाँ से एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा ये हम लिख सकते हैं. तो यहाँ से क्या आ रहा है, h बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी. अब डी ब्रॉगली ने जो रिलेशन निकाला, ये इक्वेशन के रिस्पेक्ट में निकाला, क्योंकि फोटॉन्स तब तक डिस्कवर हो चुके थे, मतलब फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस तब तक एस्टेब्लिश हो चुका था. तो फोटॉन्स को लेके इन्होंने ये इक्वेशन निकाला. और डी ब्रॉगली ने ये कहा कि अगर फोटॉन्स के लिए ये पॉसिबल है तो हम सी की जगह, सी जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. अब वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्लेस करके किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की अगर हम वेलोसिटी यूज करें तो इक्वली सक्सेसफुल होगा. लेकिन ये एक आइडिया था, तब तक प्रूव्ड नहीं था. ठीक है, तो अगर इन जनरल कहें, इन जनरल डी ब्रॉगली ने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी हम लिख सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या पता लगता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी, जहां पी क्या है, मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है. तो अगर ऐसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं लैम्डा क्या डिनोट कर रहा है, वेव नेचर, और मोमेंटम क्या डिनोट कर रहा है, पार्टिकल नेचर. तो जो वेव नेचर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पार्टिकल नेचर के. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ है ये कम हो जाता है. और यही केस होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, सॉरी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है, मतलब जिसका वेलोसिटी अगर बहुत ही कम है, फिर भी मोमेंटम जो है ये बहुत ही ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ का जो ऑर्डर है मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मास होता है वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होता है. तो जो मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर बहुत कम भी है, फिर भी जो मोमेंटम है ये मास की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है. और अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो नेग्लिजिबली कम हो जाता है, इसी वजह से हम वेव नेचर कभी देखते ही नहीं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, समझ में आ रही है. अब क्या हुआ कि
अब तक जो हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की, तो ये तब तक प्रूव्ड नहीं था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया कि मैटर वेव नेचर भी शो करता है. और एक्सपेरिमेंट कौन सा है, जब इलेक्ट्रॉन की बीम को हम निकल क्रिस्टल के हेल्प से अगर स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन बीम का स्कैटरिंग देखें, तो उसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के. और यहाँ से प्रूव होता है कि मैटर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है. ठीक है, तो इतना हो गया है. अब हम उस एक इलेक्ट्रॉन को थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v हम एक्सेलरेट कर रहे हैं. सपोज एक्सेलरेट एंड इलेक्ट्रॉन टू अ पोटेंशियल डिफरेंस v. ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें तो क्या होगा, एक वर्क डन होगा. इलेक्ट्रॉन ये कितना होगा, e इंटू वी, जहां e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. अब इस वर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है. तो e v इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ जो स्मॉल v है इसे हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, v इज इक्वल टू 2 ev बाई m, रूट ओवर 2 ev बाई m. क्या आ गया, v. अब डी ब्रॉगली रिलेशन से हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी. यहाँ v का वैल्यू पुट कर दो तो h बाई एम इंटू क्या होगा, रूट ओवर 2 ई वी बाई एम. यहाँ से आ जाएगा h बाई रूट ओवर 2 एम ई वी. अब ई वी यहाँ हमने ई वी किसके इक्वल किया, काइनेटिक एनर्जी के. यहाँ से E K काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E V. ठीक है, तो हम यहाँ फिर से देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू H बाई रूट ओवर 2 M काइनेटिक एनर्जी E K. ठीक है, तो फाइनली अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2 एम ई वी, जहां वी है पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2 एम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब यहां पे अगर एच का वैल्यू आप पुट कर दो, m का वैल्यू पुट कर दो, e का वैल्यू पुट कर दो, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, हमें पता है इसका वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, तो अगर वैल्यूज पुट कर देंगे हम तो यहाँ से आ जाएगा 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई रूट ओवर v, क्या मीटर आ जाएगा.
और अगर एमस्ट्रॉन्ग में लिखना चाहे तो 12.27 बाई रूट ओवर वी एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये आ जाता है। समझ में आ रही है? हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे जो हमने बोर्स पोस्टुलेट पढ़ा था मोमेंटम का। इस बोर्स पोस्टुलेट जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई हमने पढ़ा था, इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली ने फिर से डिराइव कर दिए अपनी रिलेशन के साथ, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है? तो बोर ने क्या कहा था कि एक परमिटेड ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट तब हम अलाउ कर सकते हैं जब इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई के बराबर होगा। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने इस चीज को डिराइव कर दिया। डी ब्रोगली ने कहा कि एक स्टेशनरी स्टेट या फिर परमिटेड ऑर्बिट हम उन ऑर्बिट्स को कहेंगे जिनका सर्कमफेरेंस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के इक्वल होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मेरा कहने के मतलब ये है कि सर्कमफेरेंस ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, ये इक्वल होना चाहिए इन लैम्डा के। तो सपोज अगर अगर ये सर्कमफेरेंस है तो एक इलेक्ट्रॉन का एन सपोज हमने 3 ले लिए तो 3 लैम्डा मतलब यहां से ऐसे थ्री वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए अगर एन इज इक्वल टू 3 है तो। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहां से हम 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा, डी ब्रोगली रिलेशन से हमें पता है कि एच बाई एम वी होता है। अब इसको रीअरेंज कर लो, एम वी आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन एच बाई 2 पाई इधर आ जाएगा तो एन एच बाई 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। डी ब्रोगली ने अपने इक्वेशन से बोर्स पोस्टुलेट को भी डिराइव कर दिए। ओके, आई बात समझ में? चलिए पढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके ओके सचिन, अब हाइजेनबर्ग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो यही चीज हाइजेनबर्ग ने ऑब्जर्व करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इस अपनी ऑर्बिट में लोकेट करने की कोशिश की। तो अगर और यहां से उन्होंने क्या देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट करने जाए विद इन अ डिस्टेंस डेल एक्स तो क्या मिलता है, इफ लोकेट वी वांट locate an electron within a distance del x, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए लाइट का यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो लाइट हम यूज करने जा रहे हैं इसी ऑर्डर के वेवलेंथ की, ठीक है।
ठीक है, तो सेम ऑर्डर की वेवलेंथ की लाइट को हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए. सो लाइट ऑफ ऑर्डर वेवलेंथ इज यूज्ड. ठीक है, तो यहां से इन्होंने क्या देखा. अच्छा, अगर लाइट की बात करें तो यहाँ फोटॉन्स, लाइट के मतलब पार्टिकल्स क्या है, फोटॉन्स आ रहे हैं. अब फोटॉन्स जब आते हैं, फोटॉन्स में एक मोमेंटम होता है. फोटॉन्स ऑफ मोमेंटम कितना, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा. ठीक है, इस मोमेंटम के साथ फोटॉन्स आ रहे इलेक्ट्रॉन्स के साथ आके कोलाइड करते हैं. ठीक है, लाइट विथ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने पढ़ा है कि अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो उस वहां से फोटोन का जो मोमेंटम है ये एटलीस्ट सम पार्ट तो ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन में. तो इससे क्या हुआ रिजल्ट, कि इलेक्ट्रॉन में जो मोमेंटम था अब मोमेंटम चेंज हो गया, यानी मोमेंटम बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन का. तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ जाए तो इन्होंने, हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि इस चेंज इन मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने थोड़ा कम वेवलेंथ की लाइट लिया. ठीक है, अब वेवलेंथ अगर कम है तो इन टर्न क्या हो गया हमें. अच्छा, इससे पहले एक बार लिख लूं कि कोलाइड हुआ, फिर क्या हुआ कि मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. हाइजेनबर्ग ने लैम्डा को रिड्यूस कर दिया. अब लैम्डा जैसे ही रिड्यूस हो गया, हमें पता है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/ मोमेंटम. अब लैम्डा रिड्यूस हो गया तो फिर से फोटोन का ही मोमेंटम बढ़ गया. अगर फोटोन का मोमेंटम बढ़ जाता है तो फिर ये फोटोन का मोमेंटम ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन में जब कोलिजन होता है. सो फाइनली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और भी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने ये नोटिस किए कि जैसे ही हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने जा रहे हैं, उस मोमेंट पे जो मोमेंटम है ये अनसर्टेन हो रहा है. ठीक है, और इसीलिए हाइजेनबर्ग ने इक्वेशन दिया जो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4π. ठीक है, अब एनर्जी और टाइम के केस में भी यही होता है कि डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4π. तो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ लिया. आ रही है समझ में? अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि बोर थ्योरी जो कहता था कि हम लोकेट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को उसकी अपनी ऑर्बिट में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल ऑपोजिट बात कहता है. ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोर्स थ्योरी यहाँ पे फेल हो गया. ठीक है, तो अगर बात करें हम ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स थ्योरी तो 4 मेन पॉइंट्स है
जिसके वजह से बोर्स थ्योरी फेल हुआ है। फर्स्ट क्या है, बोर्स थ्योरी वॉज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक सिस्टम्स, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए ही बोर थ्योरी एप्लीकेबल था। बोर्स थ्योरी वॉज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक सिस्टम्स। That is one electron system. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइन लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। हमने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है बोर्स थ्योरी में, अगर उसके बाद ये देखा गया कि इन लाइंस के बाद भी फर्दर कुछ फाइन लाइंस प्रेजेंट होते हैं बोर्स स्पेक्ट्रम में, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सो फाइन लाइन, सॉरी, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, बोर ने कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में कहा था बोर ने, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट्स के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी इक्वली प्रोबेबल है, ठीक है। और जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के एक स्पेशल केस है, जब एलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाता है तब सर्कुलर एक्सिस होता है। सो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर इक्वली प्रोबेबल। एंड लास्ट पॉइंट, अभी अभी हमने डिस्कस किए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोर्स थ्योरी में एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल consistent with theory. ठीक है, तो ये रहे drawbacks of by Bohr's theory. अब Bohr's theory भी fail हो चुका है, तो फिर सक्सेसफुल कौन सा है, सक्सेसफुल है जो कि इसके बाद आया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट हमारी टॉपिक खत्म हो चुकी है, जो हमें अब डिस्कस करना है वो क्वांटम नंबर्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करनी है, ठीक है। और जैसे क्वांटम नंबर खत्म हो जाएगा तो आई होप आज टाइम होगा, पता नहीं, अगर टाइम हुआ तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कोशिश करेंगे हम एक और सेशन ले लेंगे ओनली क्वेश्चंस के, ठीक है। या फिर जो अभी नेट का सीरीज आने वाला है वहां भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्वांटम नंबर्स
इसका यूज क्या होता है, क्वांटम नंबर्स, फोर क्वांटम नंबर्स होते हैं, सो ये चार नंबर्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एक्सप्लेन करता है कंप्लीटली, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी इसे हम एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन देता है कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होता है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या देता है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी क्या है, ठीक है। और थर्ड इंफॉर्मेशन क्या देता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, ठीक है। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देता है कि एनर्जी स्टेट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड इंफॉर्मेशन डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Yes. ठीक है। अब एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ओके, और डिस्टेंस की अगर बात करें तो एन का वैल्यू जितना बढ़ता है डिस्टेंस उतना ही बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, ठीक है। और कुछ है, रेडियस भी हम यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, मिनट दीजिए, अब दिखाई दे रही है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की। सो सेकंड से हम एल से डिनोट करते हैं। अब अगर एल का वैल्यू जीरो है, एल का वैल्यू जीरो है मतलब एस सबशेल को डिनोट करता है। एल का वैल्यू अगर वन है तो पी सबशेल को डिनोट करता है। अगर एल का वैल्यू टू है तो डी सबशेल, थ्री है तो एफ, एंड सो ऑन, ठीक है। एल का वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है एन की वैल्यू के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है कि फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन, एल रेंजेस फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, है कि नहीं। फॉर अ पर्टिकुलर
value of L, sorry, N. L ranges from 0 to N minus 1. ठीक है, तो अगर L की वैल्यू 0 है, n, n का वैल्यू 1 है, मतलब L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 मतलब 1 is subshell. ठीक है, अच्छा अगर n का वैल्यू 2 है तो L का वैल्यू 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं. ठीक है, तो 2s हो सकता है या फिर 2p भी हो सकता है. ठीक है, अगर 3 हुआ तो 0, 1, 2, 2s, sorry, 3s, 3p, 3d, और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं. ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये कितना होता है, रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई होता है. ओके, चलिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया है. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम एम एल से डिनोट करते हैं. तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल, एम एल का वैल्यू कितना होता है, माइनस एल से 0 और 0 से प्लस एल तक. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल, एम एल क्या होता है, माइनस एल से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके प्लस एल तक. तो सपोज एल का वैल्यू अगर 0 है तो एम का वैल्यू को क्या हो जाएगा, 0 होगा. सही है, तो हम इसे, अच्छा एन का वैल्यू भी 1 मान लो, तो ये 1 एस ऑर्बिटल कहेंगे. अब इस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल. ठीक है, अब एल, एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1, 0 और प्लस 1. ठीक है, फॉर एल इज इक्वल टू 1, एम एल रेंजेस फ्रॉम, एम एल रेंजेस फ्रॉम माइनस 1, 0 टू प्लस 1. ठीक है, तो इसे हम पी ऑर्बिटल कहेंगे. और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डंबल शेप होता है. ओके, अच्छा सिमिलरली अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो एम एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2. और हम इसे, हाँ गुड इवनिंग निशांत, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंबल. इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं अपनी केमिकल बॉन्डिंग में.
तो डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें. ओके अब हम आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वांटम नंबर की ओर. लास्ट क्वांटम नंबर क्या है? इन क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में दो रोटेशंस दिखा सकते हैं, दो टाइप के रोटेशंस दिखा सकते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. तो इसके अकॉर्डिंग हम स्पिन क्वांटम नंबर्स को हाफ या फिर माइनस हाफ डिनोट करते हैं. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है. ओके अब अगर हम डीजेनरेसी की बात करें तो डीजेनरेसी होता है, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है. ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2n स्क्वायर. एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टू इंटू एल प्लस वन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इस सबशेल की बात करें तो L का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ ऑर्बिटल वन ऑर्बिटल हो सकता है और इलेक्ट्रॉन्स टू हो सकते हैं. सिमिलरली P सबशेल के लिए ऑर्बिटल्स तीन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर L का वैल्यू वन पुट करते हो तो टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 3 × 2 = 6 हो सकते हैं. राइट, तो हमने बात कर लिए हैं क्वांटम नंबर्स की, तो आगे क्वेश्चंस भी कर लें क्या? टाइम हो चुका है, चलिए कर लेते हैं. बताइए, क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, अर्णव कह रहा है ए. देखना, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम विथ अ न्यूक्लियर चार्ज जेड, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉलोज द रिलेशन. एनर्जी क्या होता है?
माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना एनर्जी, हम क्या लिखते हैं माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्रोपोर्शनल किसके हो, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, राइट। अर्णव आपने ए क्यों कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, of a bullet of mass 50 gram is 500 plus minus 0.01%. ठीक है, calculate the uncertainty in its position. बताओ कैसे करोगे? अच्छा, यहां देखना, वेलोसिटी ऐसे दिया गया है, मतलब 0.01% एरर है, तो यहां से हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें निकालना होगा सबसे पहले, तो 0.1% ऑफ 500 क्लास 10 स्टैंडर्ड, हाँ, यहां से क्या होगा, अगर अनसर्टेनिटी का परसेंटेज दिया है तो यहां से हम 0.1% ऑफ 500, 500 है वेलोसिटी की वैल्यू, तो 500 में 0.01% अनसर्टेनिटी है, तो हमने अनसर्टेनिटी यहां से निकाले, तो अनसर्टेनिटी क्या होगा, 0.05, देखना यहाँ मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो यहाँ से मीटर पर सेकंड आ गया, लेकिन इसमें मास भी ग्राम में है और आंसर भी हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो यहाँ से हम मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब क्या करना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल एक्स इनटू डेल पी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ठीक है, तो यहां से डेल एक्स इनटू एम डेल वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, कितना आएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, तो h by 4 पाई m into del v, h का वैल्यू कितना है, देखना यहाँ जूल सेकंड में कितना आता है, 6.626 into 10 to the power minus 34 होता है, लेकिन हमें arg में कन्वर्ट करना होगा, तो into 10 to the power 7, क्योंकि 1 जूल 10 to the power 7 args होते हैं, और 4 पाई इनटू मास कितना गिवन है, 50 ग्राम्स इनटू डेल वी हमने निकाला, ये डेल वी है 5 सेंटीमीटर, यहां से कितना आता है, कैलकुलेट तो कर सकते हो, डेल एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, टेन टू दी पावर माइनस 34 इंटू 10 टू दी पावर 7, बताओ कितना आ रहा है, 4 इंटू पाई, अरे 2.109 इंटू 10 टू द पावर
माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो प्लस माइनस एरर, ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। में आया जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल डीजेनरेसी ऑफ लेवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इजी है। वन इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम विथ जेड इज इक्वल टू 5, एनर्जी दिया है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो अगर टोटल वैल्यू 13.6 है तो यहाँ से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को 1 होना ज़रूरी है, तो अगर जेड स्क्वायर जितना होगा एन स्क्वायर भी उतना ही होगा। अब जेड 5 है तो जेड स्क्वायर 25 हो जाएगा, सो एन स्क्वायर 25 है, और ऑर्बिटल डीजेनरेसी एन स्क्वायर को ही ऑर्बिटल डीजेनरेसी कहा जाता है, सही है ना। अरे देख लो लेक्चर, कोई बात नहीं, बाद में काम आएगा, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+, तो यहां से क्या निकालना है, एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3+ क्या हो जाएगा, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 है, 1 स्क्वायर बाई क्या कहा है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बेरिलियम के लिए 4 स्क्वायर, तो यहाँ 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 2 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो 2 स्क्वायर क्या आ रहा है, 4/16 आ रहा है ना, तो 1/4 हो जाएगा आंसर, मतलब 1:4। चलिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो हाइड्रोजन एटम रेडियस हम क्या कहते हैं, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, अब हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट मतलब ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन आपको निकालना है, तो निकाल लीजिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू कितना है, सेकेंड एक्साइटेड n इज इक्वल टू 3, तो R3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, और z लिथियम स्क्वायर है, सो थ्री, तो 0.53 इंटू 3 कितना है,
1.59 सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहाँ है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which hydrogen like species will have same radius as that of four orbit of hydrogen atom? Four orbit of hydrogen atom मतलब radius है ये क्या हो जाएगा a naught into n square by z. ठीक है एन स्क्वायर बाई जेड वन है तो ए नॉट कब होगा. अच्छा फर्स्ट केस में देखते हैं इसमें एन स्क्वायर फोर बाई लिथियम थ्री फोर बाई थ्री आ रहा है ये नहीं होगा. अच्छा इसमें एन स्क्वायर फोर है और बाई जेड ये फोर है ये वन आ रहा है ये हो सकता है. अच्छा सी में देखे तो यहाँ एन स्क्वायर बाई जेड कितना आ रहा है फोर बाई टू ये भी नहीं आ रहा है और यहाँ से देखना एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं यहाँ ये भी एन स्क्वायर बाई जेड है. अच्छा स्क्वायर बाई जेड है यहाँ से एन स्क्वायर बाई जेड कितना आ रहा है नाइन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो यहाँ से थ्री आएगा तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कोई बताना चाहोगे? ठीक है इसमें क्या कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू मेटल्स सॉरी मेटल सर्फेसेस एम वन एंड एम टू. इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एम वन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ध्यान से देखना इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एम वन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ एम टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन नैनोमीटर कितना होगा. तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता लगता है कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट होता है तो ये इक्वल होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है ये है इंसिडेंट रेडिएशन और ये है वर्क फंक्शन. तो हमने प्लॉट किया है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अब दोनों मेटल्स के लिए दो इक्वेशन लिख लेंगे हम. फर्स्ट इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सरफेस वन क्या होगा, ई वन माइनस को हम फाइव वन कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी टू इज इक्वल टू ई टू माइनस फाइव टू. ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन में दिया है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एम वन, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन ऑन एम वन ई वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, वर्क फंक्शन ऑफ एम टू. वर्क फंक्शन ऑफ एम टू मतलब फाइव टू, फाइव टू के इक्वल है. ओके, और यहाँ से देखना ई वन हमें पता है और ई टू हमें पता है, तो कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे तो ई वन ई टू का वैल्यू आएगा. फाइव टू को अगर ई वन पुट कर देंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी ई टू माइनस ई वन हो जाएगा. ठीक है, अब ई टू माइनस ई वन 2.9 माइनस 2.3 तो ये आएगा 0.6 आया है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है. तो यहां देखना जो इस इक्वेशन से क्या कह रहा है कि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है ये 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन जो है 2.3 है. तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा 2.9 माइनस 2.3 0.6 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमें यहाँ से निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ. ओके, तो हम एक पेज को और ऐड कर लेते हैं. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कहाँ से निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि एच बाई रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट. ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है 6.62 इंटू 10^-34 बाई रूट ओवर 2 इंटू 9.11 इंटू 10^ कितना -27 शायद, सॉरी -31 किलोग्राम. टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना आया है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10^-19 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसका वैल्यू कितना आएगा, -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.11 3.78 इंटू 10^-9 मीटर. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ 6 पॉइंट.
एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने गलत किया है. 229.11 × 10⁻³⁻¹ कितना है, 0.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹. इसका रूट आएगा एंड डिवाइडेड बाय एच, ये वैल्यू नहीं आएगा. (1.58 × 10⁻¹⁹) मीटर आ रहा है और आपको आंसर करना है नैनोमीटर में, तो 1.58 ही आएगा. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. अच्छा, रेडियल नोड्स की बात अगर करें तो रेडियल नोड्स (n-l-1) होता है. ठीक है, ये रेडियल नोड. अच्छा, अब देखते हैं (n-l-1) कितना है. इसमें 3-1 = 2 है और यहाँ 2-1 = 1 है, तो इक्वल नहीं है. 3-1 - 1 - 1 = 3-2 = 1 - 2 - 2 = 0 होगा. अच्छा, इसमें 3-2 - 1 = 3-3 = 0. अच्छा, 2-1 - 1 = ये भी 0. ओके, तो इक्वल तो इसी में आ रहा है. 3-2 कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ 2-2 = 0. 1 और 0, ये भी नहीं है. ठीक है, चलिए, तो करेक्ट है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है, इसमें देखना, टू क्लोजली लाइंग बैंड्स इन यूवी स्पेक्ट्रम ऑकर एट 274 नैनोमीटर एंड 269 नैनोमीटर. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन द टू बैंड्स. आपको एनर्जी गैप निकालना है, तो एनर्जी गैप कहाँ से आता है, डेल ई इज इक्वल टू (E₂ - E₁). ठीक है, सॉरी, लेकिन यहाँ देखना, आपको लैम्डा की वैल्यू दे दिया है और यहाँ एनर्जी गैप तो कहा है, लेकिन आपको आंसर बताना है वेव नंबर में. तो वेव नंबर हम डायरेक्टली यहां से 1 by क्या हो जाएगा, (λ₂ - 1 by λ₁) हम यहां से निकाल सकते हैं. ठीक है, 1 by 269 - 1 by 274 नैनोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हमें (10⁻⁷) करनी होगी. क्या आएगा इसका वैल्यू, 1 by 269 - 1 by 274. करेक्ट, (10⁻⁷) करने से 678.3. अच्छा, नियरेस्ट इंटीजर अगर कहें तो 678 ही लिख सकते हैं हम. ठीक है, इसका आंसर होगा 678 नैनोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी 4-5 ही क्वेश्चंस हैं, फिर हम एंड करेंगे. बताइए इसका आंसर क्या होगा. डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये तो सब लोग बता देंगे. E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो यहाँ से एच ई बाई न्यू और क्या होता है, जूल न्यू पर सेकंड होता है, तो जूल सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट. अब यूनिट हो गया
अब डायमेंशन क्या होता है, जूल मतलब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है, और टाइम मतलब यहाँ टी हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज 10^-10 सेकेंड, द अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी मतलब डेल ई इंटू डेल टी इज इक्वल टू एच बाई 4π, ऐसा होता है। अब डेल ई आपको निकालना है अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, एच 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4π इंटू डेल टी कितना है 10^-10, तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10^-24 डिवाइडेड बाई 4π, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, 6.626 इंटू 10^-24 डिवाइडेड बाई 4π, जो भी आ रहा है इसको अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल, ठीक है, तो यहाँ हम इंटू 1.6 इंटू 10^-19 तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10^-6 आ रहा है, 3.2 इंटू 10^-6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन रेडियस दे दिया है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट कितना होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्बिट और एन स्क्वायर बाई जेड कितना आएगा, एन स्क्वायर बाई जेड 1 आ जाएगा, तो ए नॉट जो है 53 पिकोमीटर है, तो यहाँ से हम थर्ड बोर ऑर्बिट अगर निकालना चाहें तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर 9 कितना आ रहा है, और 77 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज और आर नॉट अलाउड, एन इज इक्वल टू 3 है तो एल इज इक्वल टू 2 हो सकता है, एम एल माइनस 1 ये भी हो सकता है, अच्छा एन अगर 4 है तो L 0 हो ही सकता है लेकिन एम एल की वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M एम एल की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो नॉट अलाउड ऑप्शन B तो होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, N इज इक्वल टू 3 है
तो एल इज इक्वल टू थ्री नहीं हो सकता है, एन माइनस वन तक होता है, तो एल टू तक पॉसिबल है, टू वन जीरो तीनों ही पॉसिबल है, ओके okay? और एम एल की वैल्यू भी माइनस थ्री नहीं हो सकता है, सो बी एंड सी आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये. द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इन द nth बोर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 13.4 एमस्ट्रॉन्ग, वैल्यू ऑफ n क्या होगा? सबसे पहले रेडियस आर एन हम क्या लिखते हैं कि ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, तो एन स्क्वायर बाई जेड तो हाइड्रोजन एटम है तो हम एन स्क्वायर बाई वन लिख सकते हैं. अब क्या कहा है, nth बोर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना है, तो टू पाई आर इज इक्वल टू, हमें पता है कि एन लैम्डा है, ठीक है, वेवलेंथ दे दिया है, राइट, वहां से हम एन निकालेंगे. अच्छा, और हाइड्रोजन एटम इसका अगर बोर रेडियस कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, करेक्ट, तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम. अच्छा, एन की वैल्यू कितना आएगा फिर, टू पाई आर कितना है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई क्या आएगा, टू पाई बाई लैम्डा आएगा, ठीक है, तो 2 पाई इंटू, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हम 2 पाई इंटू 0.53 इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 0.53, ओके, 13.4 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0.53 कितना आ रहा है, 13.4 डिवाइडेड बाई 2 into pi into 0.53, ये 4.02 आ रहा है, तो हम 4 कह सकते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4. नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देने को कहा है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है. और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें, डिफ्रैक्शन में होता है ऑब्जर्व, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में भी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पार्टिकल नेचर प्रूव होता है कॉम्प्टन इफेक्ट से भी, पार्टिकल नेचर प्रूव होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी. आई होप आप सबको अच्छा लगा है ये सेशन, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और यहाँ हम एंड कर रहे हैं अपना सेशन, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो चुका है, ओके. मैंने कोशिश की है सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करने की, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद क्वांटा केमिस्ट्री. आपका नेट का सीरीज भी आने वाला है बहुत जल्द, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.